असलकुम डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ने लगे हैं अपना थर्मिस्टर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा थर्मिस्टर ठीक है जी थर्मिस्टर पढ़ते हुए हमें एक बात पता होना चाहिए कि थर्म का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपके पास हीट होता है तो थर्मिस्टर क्या होता है ये एक रेजिस्टर होता है इट इज़ अ रेजिस्टर होस resistance changes with heat or yeah, temperature ठीक है थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है टेम्परेचर क्या मतलब जो उसके इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है उसकी सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर है उसके साथ जब आपकी रेजिस्टेंस चेंज होने लगी लगेगी तो वो क्या आपका थर्मिस्टर uh, कहलाता है ठीक है अब इसकी टाइप्स होती हैं अब टाइप कौन कौन सी है पहली टाइप आती है नेगेटिव थर्मिस्टर और दूसरी टाइप आती है इसकी पॉजिटिव थर्मिस्टर ठीक है नेगेटिव थर्मिस्टर या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट इसको हम कह सकते हैं एन टी सी और ये क्या है आपका पी टी सी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट अच्छा जी अब फॉर्मेशन ऑफ अ थर्मिस्टर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन में क्या होता है कि थर्मिस्टर आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स किससे मिलकर बने होते हैं ये सेमी कंडक्टर से मिलकर बने हुए होते हैं ये मिलकर बने हुए होते हैं जी सेमी कंडक्टर्स से अगर सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो जैसे मटीरियल्स uh, हैं आपके निकल uh, ऑक्साइड ठीक है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन कोबाल्ट ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड ये कुछ मटेरियल्स हैं आयरन ऑक्साइड ई ठीक है बाई हीटिंग दैम अंडर हाई प्रेशर दीज आर प्रेस्ड इन टू डिज़ायर्ड शेप एंड देन बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर हम यह करते हैं कि इन मेटल्स को जो है वो क्या किया जाता है हीटअप किया जाता है सबसे पहले हीट किया जाता है और फिर इनको शेप में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ये क्या किया जाते हैं? बेक किए जाते हैं एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है जी ये इनका प्रोसेस होता है अब शेप ऑफ़ द थर्मिस्टर क्या होती है शेप्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें शेप्स ऑफ थर्मिस्टर शेप ऑफ़ द थर्मिस्टर को अगर हम देखा जाए तो वो क्या होते हैं? थर्मिस्टर जो होते हैं वो छोटी छोटी शेप्स में होते हैं डिफरेंट शेप्स में होते हैं जैसे कि बीड्स uh, हो गया रॉड्स हो गया अच्छा वाशर्स हो गया वॉशर्स डिस्क जो होती है प्रॉब्स हो गए ये इनकी शेप्स होती हैं एडसेक्ट्रो और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं ये जी डिफरेंट इनकी शेप्स हैं अब हम थर्मिस्टर के यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं यूजेस में पहला यूज जो है वो इनके क्योंकि हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशंट्स जो थर्मिस्टर होते हैं यानी कि एन टी सी जो होते हैं वो मैय करते हैं लो टेम्परेचर ठीक है और सेकंड वाला जो है इसका यूज़ देख लेते हैं लो टेम्परेचर यानी कि जैसे कि टेन कैलविन है ज़्यादातर इन ऐसे टेम्परेचर्स को जो है वो एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं अब जो है ये यूज़ होते हैं कहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर ओवन टेम्परेचर अमन ठीक है उसके बाद जी ये और कहाँ पर यूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं बहुत सारे टेम्परेचर को जो कंट्रोल होता है कंट्रोल करते हैं किसको टेम्परेचर इफ़ेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक है ये कौन से टेम्परेचर होते हैं पीटीसी वाले थर्मेस्टर जो होते हैं फिर उसके बाद इसके अलावा ये फायर अलार्म में भी यूज़ होते हैं तो ये थे हमारे पास थर्मिस्टर्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं आप इलेक्ट्रिकल पावर को एलैक्ट्रिकल पावर क्या होती है बेसिकली इट इज़ द पावर ऑफ अ बैटरी किसकी बैटरी किसकी पावर है ये पावर ऑफ अ बैटरी है द रेट एट विच इट वर्क विच एट विच वर्क इज़ डन टू मेनटेन द स्टडी क्रंट इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ बैटरी इज रेट एट विच Work is done to maintain steady current. ठीक है, अब इसका जो formula होता है electric power का इलेक्ट्रिक पावर का जो हमारे पास फार्मूला आता है वो आता है जी एनर्जी एनर्जी स्प्लाइड ओवर टाइम टिकन यहां पर हम इसके एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ए लेते हैं पॉइंट बी लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते हैं ये ए टर्मिनल हो गया ये बी टर्मिनल हो गया ये आर हो गया ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस मैय करने के लिए जो बैटरी है इलेक्ट्रिक पावर जहाँ से मिल रही है वो हो गई अब जो है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं वो कहते हैं लेट अस कंसीडर द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ठीक है एंड अ रेजिस्टर आर दिस वन ठीक है इन अ सीरीज सर्किट when the potential difference is supplied from the battery between the terminals a and b the resistors and uh, of the resistor are the current starts flowing through the circuit the work done in moving the charge q up to the potential difference v is given by delta w is equal to v multiplied by delta. क्यू और इलेक्ट्रिक पावर का हमने ऊपर फार्मूला लगाया था अगर इसको हम देखें तो ये बनता है पी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ये आ जाएगा वी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी आ जाएगा और ये तमाम का तमाम आपके पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू वी आई क्योंकि करंट जो होता है ये सारा जो होता है वो इक्वल टू आई होता है ठीक है ये वी आए आ जाएगा आपके पास पावर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड थ्रू द रिजिस्टेंस आर फ्रॉम द हीट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी सो इसलिए हमारे पास पावर डिसिपेशन जो आ जाएगी पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू वी आई वी जो होता है वो आपके पास होता है आई आर के इक्वल इसको हम इसमें पुट करेंगे ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई आर इन टू आई जो कि बनेगा आई स्क्र आर ये हमारे पास इक्वेशन टू बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन वन थी अब जी ओहम लॉ जो होता है वो हमें क्या कहता है ओह सल्ह कहता है आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा इधर इसमें तो इक्वेशन टू में ये बन जाएगा आपके पास वी ओवर आर का होल स्केयर ओवर आर बी स्केयर ओवर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर आर से आर स्केयर कैंसल तो बन जाएगा वी स्केयर ओवर आर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर ठीक है जी तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट